नमस्कार, मैं हूं प्रिया झौड़, आप देख रहे हैं द एसजी न्यूज। आपको बता दें, आज फुलवारी शरीफ से दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। ये आतंकवादी 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे थे और इसके लिए प्रशिक्षण भी दे रहे थे अन्य राज्यों से युवाओं को बुलाकर। आपको बता दें, आज इन दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है और इसको लेकर जदयू कोटे से मंत्री मदन सहनी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि शुक्र है कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ये गिरफ्तारी हो गई। साथ ही उन्होंने जांच एजेंसी को भी सराहा है, वो जो दिल्ली आईबी की तरफ से ये इनपुट मिला था जिसके आधार पर ये जो गिरफ्तारी हुई है वो हुई है। आपको बता दें, इसी को लेकर उन्होंने कहा कि यह काफ़ी सराहनीय है, जांच एजेंसी के इनपुट की वजह से आज दो आतंकवादियों का गिरफ्तारी हुआ है। और क्या कुछ कहा मंत्री मदन सहनी ने, पहले आप वो सुने। स्तर पर तो कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधि में शामिल लोग पकड़े जाते हैं समय समय पर, और बिहार के अंदर भी इस तरह का छिटपुट घटना देखने को मिलता है, लेकिन खुफिया तंत्र अपना काम करती है और जो पकड़े गए हैं आतंकी उसके बारे में तो ज़्यादा हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन जो समाचार के माध्यम से जानकारी मिली है तो उनका गतिविधि तो ज़रूर संदिग्ध था और लंबे समय से रह रहे थे, तो इसमें ज़रूर जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से सतर्क रहने की आवश्यकता है। नहीं, इस तरह के जो देश विरोधी गतिविधि में कोई भी लोग लगेंगे तो जो भी खुफिया तंत्र है उसके माध्यम से ज़रूर तैयारी चलती रहती है और इस तरह के जो भी आतंकी हैं वो तो पकड़ा जाते हैं। ये तो अच्छा ही है कि कम से कम कोई गलत या बड़ा घटना करे उससे पहले अगर खुफिया तंत्र मजबूत होने के वजह से अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये हमारे देश की खुफिया एजेंसी का हम लोग को ज़रूर इसकी सराहना करनी चाहिए। और बिहार के अंदर में इस तरह के लोग अगर कहीं पकड़े जाते हैं तो और भी हम लोग को प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो जैसा कि देखा आपने, उन्होंने कहा कि इस तरीके के लोग जो पटना, राजधानी पटना में मिल रहे हैं, ऐसे में प्रशासन को और सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और शुक्र है कि यह गिरफ्तारी बहुत ही जल्द हो गई, नहीं तो घटना ये लोग बहुत बुरी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए द एसजी न्यूज़ के साथ। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशन, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर द प्रयास इंडिया.com पर विजिट करें।